एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम भक्ति है और मैं मेरे चैनल पे एक्रेलिक ट्यूटोरियल्स और DIYs के वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिरर मोजाइक आर्ट, जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो भी डूज और डोंट्स है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन गाइज, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये आर्ट ट्राई करने का सोच रहे हो या आपने अभी तक ये आर्ट ट्राई नहीं किया है तो आप ये जरूर कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिरर मोजाइक आर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मिरर्स, वुडन सरफेस, ग्लू और किसी भी टाइप का टेक्सचर पेस्ट। तो जो भी मटेरियल मैंने यूज किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर मैं एक सर्कुलर वुडन पैनल का यूज कर रही हूँ, जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थिन सरफेस यूज किया है, तो जिसकी वजह से जब मैंने मिरर स्टिक किए तो ये थोड़ा सा बेंड होने लग गया था। तो आप अगर वुडन सरफेस यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा थिक सरफेस यूज कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 12 इंचेस डायमीटर का वुडन पैनल लिया है, तो यहाँ पर मैं सेंटर निकाल दूंगी। तो सेंटर निकालने के बाद मैं यहाँ पे एक कंपास का यूज कर रही हूँ और इस कंपास के हेल्प से अब मैं यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन के हिसाब से सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने मिरर्स रख के मेजरमेंट लिया है और फिर सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट मिरर यूज करने वाली हूँ वो रख के मैंने मेजरमेंट लिया है और अब मैं सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। तो सबसे पहले मैंने सारे मिरर्स रख के एक डिजाइन थोड़ा सा फाइनल कर लिया था और उस हिसाब से मैंने मिरर्स रख के यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए है। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप एक थ्रेड का यूज करके भी ये सर्कल्स निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर मैंने सारे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ मिरर्स और ग्लू, और यहाँ पर मैं क्लियर ग्लू का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये मिरर्स यूज करूंगी जो मैंने अमेजोन से परचेस किए है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में मैंने परचेस किए है। तो यहाँ पर मैं ग्लू अप्लाई करूंगी और फिर उसके ऊपर मिरर को स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने जो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं तो वो एक एक सर्कल लेके हम उसमें डिजाइन कंप्लीट करेंगे। तो अब हम सेकेंड वाले सर्कल में डिजाइन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्लू अप्लाई करूंगी और फिर मिरर उस पर स्टिक कर दूंगी। सेकेंड सर्कल का डिजाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम थर्ड सर्कल का डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जो यहाँ पर मिरर्स यूज किए हैं वो थोड़े साइज में बड़े हैं। अगर हम छोटे मिरर्स यूज करते हैं तो डिजाइन और भी ब्यूटीफुल दिखता है। तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट सर्कल का डिजाइन स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई किया है और अब मैं मिरर्स भी स्टिक कर लूंगी। तो फर्स्ट वाले सर्कल के जो ट्रायंगल्स है वो आउटलाइन के थोड़े से बाहर आ गए थे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर डिजाइन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो जब हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस रखना है, क्योंकि हम जब मिरर स्टिक करते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम डिजाइन एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स के मिरर यूज कर सकते हैं और ये मिरर्स के अलग अलग पैटर्न्स करके हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल में डिजाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लेन सर्कुलर सर्कल्स स्टिक करके एक राउंड बना लिया है और लास्ट में मैं यहाँ पर एक बॉर्डर बनाऊंगी जो डायमंड शेप के मिरर से बनेगा। बॉर्डर वाले मिरर से इसे बहुत अच्छा लुक आता है और यहाँ पर ये मिरर स्टिक करके हमारा डिजाइन रेडी हो गया है। नेक्स्ट इन मिरर्स में हमें टेक्सचर पेस्ट फिल करना है। तो यहाँ पर हम किसी भी टाइप के टेक्सचर पेस्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाइट सीमेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉल पुट्टी है, ग्राउट है। तो अलग अलग आर्टिस्ट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर ये पेस्ट यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यूज करूंगी स्पैकलिंग, जो एक वॉल पुट्टी के जैसा मटेरियल है, जो मैंने मेरे टेक्सचर आर्ट के वीडियो में भी यूज किया था। तो यहाँ पर मैंने ये स्पैकलिंग लिया है जो लाइट वेट स्पैकलिंग है और जो हाफ एन आवर में ड्राई हो जाता है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये स्पैकलिंग यूज करके अब मैं मिरर्स पे अप्लाई करूंगी। तो
तो ये जो स्पैकलिंग है वो एक वाइट कलर की पेस्ट है जो वॉल पुट्टी के जैसे दिखती है, और अगर हमें इस आर्टवर्क को कलर करना है तो हम इस स्पैकलिंग में कलर मिक्स कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ये आर्टवर्क वाइट कलर में करना था तो मैंने यहाँ पे कोई कलर मिक्स नहीं किया है। तो ये स्पैकलिंग अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट टूल लिया है और इसके हेल्प से अब मैं इस आर्टवर्क पर ये स्पैकलिंग अप्लाई करूँगी। यहाँ पर आप किसी कार्ड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये स्पैकलिंग हम हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में किसी भी फ्लैट टूल के या फिर कार्ड के हेल्प से उसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। तो जब हम ये स्पैकलिंग अप्लाई करेंगे तो हमें ये बहुत स्लोली और पेशेंटली करना है, और यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारी जो स्पेसेस है वो इस स्पैकलिंग से कवर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्पैकलिंग अप्लाई करके इस फ्लैट टूल से ये ट्राई कर रही हूँ कि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और इसका फिनिश एकदम फ्लैट आ जाए। अब यहाँ पर मैंने स्पैकलिंग हाथ से अप्लाई किया है। अब मैं सारे जो प्लेसेस है वहाँ पर हाथ से ही स्पैकलिंग अप्लाई करूँगी और बाद में फ्लैट टूल के हेल्प से उसे इवनली स्प्रेड करूँगी। तो अब यहाँ पर स्पैकलिंग अप्लाई करके हो चुका है और अब मैं ये फ्लैट टूल लेके उसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करूंगी। तो स्पैकलिंग अच्छे से अप्लाई हो गया है और हमने वो इवनली स्प्रेड भी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मिरर्स पे थोड़ा सा ये स्पैकलिंग अवेलेबल है, तो उसे हमें रिमूव करना है। तो ये स्पैकलिंग रिमूव करने के लिए हम इसे 5-10 मिनट ड्राई होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम एक वेट क्लॉथ या डैम क्लॉथ लेके इस मिरर्स को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइप्स का यूज़ किया है, तो आप वाटर वाइप्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि इस कपड़े में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे से हमें ये मिरर्स क्लीन करने हैं। तो इनिशियली जब मैं ये मिरर्स क्लीन कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं आर्टवर्क मेसअप ना कर दूँ, लेकिन बाद में जैसे ये आर्टवर्क थोड़ा सा ड्राई हो गया तो एकदम ईजिली मिरर्स क्लीन हो गए थे। जो भी टेक्सचर पेस्ट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो वो पूरी ड्राई होने के पहले, जैसे वो वेट है तभी हमें ये मिरर्स क्लीन कर लेने हैं, क्योंकि बाद में फिर मिरर्स क्लीन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा मिरर मोज़ाइक आर्ट रेडी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और आपको मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए आर्ट के साथ। बाय बाय।